व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन नशा क्रिएशन। दोस्तों, सबके घर में एक एलपीजी कनेक्शन होता है। उनका एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना जाने से ही आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। आप अपने एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग डिस्ट्रीब्यूटर प्वाइंट। तो कैसे करेंगे एड्रेस चेंज, उसी के रिगार्डिंग है आज का वीडियो। आइए दोस्तों, एंड तक देख लीजिए, स्किप मत कीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, ऑनलाइन अपना गैस कनेक्शन का एड्रेस चेंज करने के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद cx.indianoil.in ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद आप अगर पहले पहली बार ये वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो आपका जो गैस के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप अगर नए आ रहे हो इस साइट में तो पहले आपको रजिस्टर कर लेना होगा। हाँ, ये रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ये आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो आपने मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आप पासवर्ड जनरेट कर पाओगे। तो ये स्टेप मैंने कर रहा है, आइए मैं अब लॉग इन कर लेता हूँ। देखिये यहाँ पे जो लॉग इन बटन है, लॉग इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं अगर ईमेल आईडी से रजिस्टर करेंगे तो। मैंने तो अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड डाल दिया, आई एम नॉट ए रोबोट बटन पर क्लिक करके सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ही ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ये लॉग इन हो जाएगा सर। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एलपीजी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एलपीजी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो प्रोफाइल है वो टोटल खुल जाएगा। यहाँ पे आपका कंज्यूमर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, नेम सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ आप सिलेंडर को बुकिंग कर सकते हैं ये ऑप्शन पर, प्रीफर्ड टाइम डिलीवरी, और आप अगर किसी भी सर्विस रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक योर सर्विस ऑप्शन पर ट्रैक कर सकते हैं उस सर्विस को। तो हम लोग का अगर एड्रेस चेंज करवाना है तो ये ऑप्शन पे हम लोगों को आना है, डिस्ट्रीब्यूटर सेम बट एड्रेस चेंज, ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस भरने के लिए कलम आ गया है। अब इसको यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, आइए एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो विलेज का नाम है वो डालना है, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है, डालने के बाद लैंडमार्क डालना है, डालने के बाद यहाँ पे विलेज का नेम और एक बार डालना है, पिन कोड डालना है। यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस टाइप रूरल होंगे तो रूरल, अगर आपका अर्बन होगा तो अर्बन सिलेक्ट करना है। यहाँ के बाद सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, रूरल एरिया है इसलिए सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट है जो है केशपुर, वो मैं डाल दिया। डालने के बाद आपको विलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आइए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आकुरिया। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट पीओए, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, रेशन कार्ड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट रिसिप्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, बहुत सारा ऑप्शन है, हाउसिंग रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, आप किसी भी एक को चूज करेंगे। मैंने फिलहाल मेरा आधार कार्ड दे रहा हूँ इसलिए यूआईडी चेक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट करना है, चलिए सबमिट करते हैं।
देख सकते हो सबमिट नहीं लिया, यहाँ पे एक अटैचमेंट डालना है, एड अटैचमेंट वाले बोल के ये ऑप्शन आया है, आइए अटैचमेंट डाल देते हैं। तो फाइल को मैंने पहले से ही सेव करके रखा है, आप भी स्कैन करके रख सकते हैं, सेव कर दी है। दोस्तों देख सकते हो ये ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ये है हमारा जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी आ गया है। इसके बाद ये रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूव करने के बाद ही आपको ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा, हो जाने के बाद ही ये एड्रेस चेंज होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं मेरा एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं, एक दो दिन रोक के। दोस्तों ये जो एड्रेस चेंज का रिक्वेस्ट मैंने सीएक्स पोर्टल से डाला था वो एड्रेस आप लोग देख सकते हो एसडीएमएस में आ गया है। ये एपी क्रेडिट प्रोफाइल, ये सेल्स ये ऑर्डर नंबर पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हो एड्रेस चेंज करने का जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आ गया है। अब हम लोग एसडीएमएस में क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे सबमिट एसआर पर क्लिक कर देना है। सबमिट एसआर पर क्लिक करते ही ये रिक्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस क्लोज्ड हो गया है। अब दोस्तों मैं सीएक्स पोर्टल में फिर से लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊंगा एड्रेस चेंज हुआ के नहीं और जो सर्विस रिक्वेस्ट मैंने दिया था वो अप्रूव हुआ के नहीं। आइए देख लेते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे cx.indianoil.in ये पोर्टल ओपन कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। करने के बाद डाल दी है मैंने पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन भी कर लेते हैं। कर लेने के बाद देख सकते हो ये लॉगिन हो गया है, नेट थोड़ा स्लो है इसलिए घूम रहा है। तो एलपीजी ऑप्शन पर क्लिक किया, एलपीजी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दी है, ये घूम रहा है। अब देख सकते हो ये हो गया है। अब दोस्तों आइए ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं, जो सर्विस रिक्वेस्ट मैंने किया था आज वो आज ही मैंने खुद अप्रूव किया है। तो देख सकते हो माय सर्विस यहाँ पे ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखते कस्टमर प्रोफाइल अपडेट, जो कस्टमर का एड्रेस मैंने सबमिट किया था आज ही वो आज ही अप्रूव हो गया है। देख सकते हो यहाँ पे ये देख सकते हो सब अप्रूव हो गया है, कम्प्लीटेड, एक भी इनकम्प्लीटेड नहीं है। तो हम लोग क्या करना है उसके बाद आइए बैक टू डैशबोर्ड पर चले जाते हैं और यहाँ पे मोर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।